सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम गुड मॉर्निंग नंबर वन इस स्टूडियो में एक बार फिर से वो आदमी जो मुझे देखते हथप्रभ रह जाते हैं. इज दैट राइट वर्ड? नो हथप्रभ. मैं तो हॉट चिक्स हियर इज व्हाट आई एम आस्किंग. हाउ डे. तुम्हें पता है इमरान हाशमी, जब तुम सालों से यहाँ पे आओ, हमने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया. राखी भी बांध दी है. हेलो, फर्स्ट टाइम व्हेन यू केम, मैंने तुम्हारे मुंह पे लिपस्टिक लगा के लिपस्टिक एक कप पे चुम्मी करवाई थी, जिसके लिए मेरे रेडियो स्टेशन के बाहर लड़कियों ने कपड़े फाड़ दिए. नो रियली, आई वाज दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड. लड़की ऐसे कर रही है, मुझे बुला लिया करो. You were very young then. I don't think तुम्हारी उम्र हो चुकी थी. I'm still young right now. I know. My God. I have to tell you one thing. This has got nothing to do with the movie. Every time I pass Pali Hill, I think about what Sam said about. What did he say? Imran Hashmi ne aise kissing scenes करके ही इंडिया का जो बेवली हिल्स है, Pali Hill उसमें घर लिया है. और मैं ना रन करने जाती हूँ Pali Hill पे, ना लाइक विच इज इमरान हाउस, विच इज आई कॉन्ट. आई स्टॉक नी गर्ल, आई स्टॉक यू एंड आई एम जस्ट बिकॉज़ पीपल नो मी, दैट्स सम बिट एम्बैरेस्ड. दैट्स व्हाई आई वेयर द मास्क. इमरान हाशमी, एक बार भी तुमने मुझे चाय पे क्यों नहीं बुलाया? शाना ना ना, व्हाई नॉट? आई एम योर नेबर. अनफॉर्चूनेटली मेरी शादी हो गई यार. And I met you after I got married to her. So अगर मैंने तुम्हें परवीन से पहले मिला होता तो फिर चाय पे बुला लेता, कुछ और होता है. क्योंकि जब इमरान हाशमी आपको चाय पे बुलाता है, इट्स नेवर जस्ट ओनली चाय. इमरान कितना अच्छा, क्या यू कैन डू, यू नो, भेदभाव जब अपने एक आदमी लगा कि लड़कियों के साथ मर्द भी शामिल लगते हैं, ऐसी कोई फिल्म मैंने की नहीं अब तक. तो अच्छा भाई, आपने ये मिसकंसेप्शन निकाल दिया. भट्ट साहब ने अब तक तुम्हारा वो पहलू खचा 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 डिस्कवर नहीं किया. And hopefully discover नहीं होता. अच्छा, तुम्हारा नाम जब उंगली के साथ आता है, by the way, उंगली के साथ जब तुम्हारा नाम आता है तो दिमाग में सिर्फ naughty thoughts आते हैं, dirty picture बन जाती है. I know, तो यही तो problem है. हमारा जो message है बहुत ही साफ है, बहुत simple है, नेक motive है. मैंने देखा, हाँ, promo देख के पता चलता है वो ये ना. This is not my idea. क्या क्या है, एक बार फिर से दिखा. Director का idea. क्या? Actually, एक उंगली नहीं, दो उंगली. और बहुत ही flexible हूँ. तुम्हारे director बड़े पहुँचे हुए हैं. Flexible का what? Concentrate on this. मुझे शर्म आ रही है. ये शादीशुदा लोग ना कुछ भी बोलते हैं. ये शादीशुदा लोग ना कुछ भी बोलते हैं. So yeah, तो मैंने actually हॉन्ट बहुत इस्तेमाल कर लिए थे मूवीज में, तो मैंने सोचा कि इस फिल्म में उंगली इस्तेमाल कर लेते. I'm just saying होटो से. ये फैमिली शो नहीं है, फैमिली शो नहीं है. तुमने होटो से Pali Hill में घर बांध लिया, सोचो उंगली से क्या करोगे. अभी मुझे और कुछ और घर खरीदने, इसलिए उंगली इस्तेमाल कर रहा हूँ. तो टेल अस ना, कॉन्सेप्ट उंगली क्या है कि This is not going to stay, na. This is answer of what the film's about. Of course. So you don't really care about this. Of course. Okay. You know it so well. So basically, this is like the board looking at it. What is this film about? Generally, मैं ये सवाल पूछती नहीं हूँ, लेकिन क्या है? Okay, I have to do my job. कुछ एक्टर हाँ. Well, Renzel ने जब मुझे फिल्म आके सुनाई तो उन्होंने शुरुआत की, उन्होंने कहा कि एक सोशली रेलेवेंट फिल्म है जहाँ पे हम इन टॉपिक्स को टच कर रहे हैं, करप्शन, सोशल इश्यूज हमारे देश में. तो आई मैं थोड़ा ट्यून आउट हो गया, मुझे लगा कि ये ठीक है, मैं ये फिल्म नहीं करने वाला हूँ. लेकिन क्योंकि जनरली ऐसी फिल्में बहुत ही बोरिंग होती है, प्रीची होती है, डॉक्यूमेंट्री इश होती हैं. लेकिन जब Renzel ने कहा कि इसे विजिलांटे फिल्म, ये ग्रुप है ऑफ कॉमन पीपल, आम लोग हैं, एक कंप्यूटर इंजीनियर है, कॉलेज स्टूडेंट, जर्नलिस्ट, इंजीनियर, ये सब लोग साथ में मिलके हमारे कॉमन मैन की आइडियोलॉजीज प्ले करते हैं. दे ट्राई टू नैप थिंग्स लाइक जो रिक्शा वाला हमारा है, हमारे सिस्टम में छोटी चीज हो सकती है, बड़ी चीज हो सकती है, करप्शन में, आई मीन छोटी चीजें होती हैं. फॉर एग्जांपल, द पॉट होल्स,
द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हमारे शहर इसलिए तो हम रेडियो स्टेशन का काम कर रहे हैं, ये तो सब हमारा काम है। या आई थिंक यू ऑल शुड आल्सो टेक द इनिशिएटिव बेसिकली उस चीज को लेकर जो सबक सिखाते हैं ये टू द पीपल हु आर इमॉर्टल। इट्स नॉट प्रीची, फन है इसमें, ह्यूमर है, और एक तरह से ऑडियंस को भी सेटिस्फेक्शन होगा कि अगर ये हमारे शहर में हो रहा है तो हम इन लोगों को इस तरह सबक सिखाते हैं। मैं ये एक्चुअली प्रीच नहीं कर रहा हूँ, आपको ऐसा करना चाहिए। I'm not saying that shut an auto rickshaw wala into a bogie and send to Delhi. That's what you did in the film. मैंने फिल्म में किया, but थोड़ा exaggerated version है इस चीज का, लेकिन it gets the point across and it entertains you. 93.5 Red FM.